ना लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बॉस से ऊंची आवाज में बात की तो नौकरी से हाथ धो सकते हैं आप। बॉस से आर्गुमेंट किया तो पड़ेगी डांट, और बॉस के ऑर्डर्स ना फॉलो करने पर वो आपको बाहर निकलने का ऑर्डर दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ कौन है बॉस और कौन है एम्प्लॉई, क्योंकि मानव जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जैसे कि वो खुद ही बॉस हो, और जो असली बॉस है वो सिवाय एक्सप्रेशंस देने के और कुछ भी नहीं कर रहे। अपने पापा मानव के गुस्से को शांत करने के लिए पूर्वी ने हर कोशिश की, लेकिन जनाब चिल्लाते रहे और असली बॉस सुनते रहे। माफ कीजिएगा, यहाँ तो बॉस के एम्प्लॉय ही बॉस बने बैठे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है सब अच्छा अच्छा चले? नहीं ना, ऐसे होगा, हो गया। देखिए, उतार चढ़ाव बिजनेस का हो या रिश्तों का, ये तो होता ही रहता है, और मजा तभी है, वरना तो लाइफ गेट्स वेरी बोरिंग। और इसके बाद जो होगा उसके आसार भी नजर आते हैं, क्योंकि वो मशहूर कहावत भी आपने सुनी होगी कि हर तूफान पहले शांति लेकर आता है। तो इस बॉस की इस शांति को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इतिहास गवाह है कि पवित्र रिश्ता में जब जब पार्टी हुई है तब तब एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। बॉस पर चिल्लाने के जुर्म में एम्प्लॉय मानव को क्या सजा मिलेगी, ये तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। और शायद यही तो हो सकता है कहानी का नया ट्विस्ट। ये पार्टी में बॉम्ब फूटने वाले और डीके सर बॉम्ब फोड़ने वाले। इनकी बात को आप लिटरली ना लें, इनके कहने का मतलब है कि प्लॉट में कोई बॉम्ब फूटने वाला है, जिसके जिम्मेदार हम नहीं है बल्कि राइटर है। इस ट्विस्ट से बेखबर अर्जुन और पूर्वी तो यहाँ म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब चला रहे हैं, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस पार्टी की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने आज पोल्का डॉट्स की साड़ी पहनी है। देखिए आप जरा, ये देखिए, इन्होंने आज पुराने जमाने का जो है जूड़ा बनाया, इन्होंने जो आज पुराने जमाने का जूड़ा बनाया ताकि इनकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो जाए। ये जो है ना, ये दिख रहा है ना, सब खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, सब पैकिंग है, वैसे इतने बाल नहीं है इनके। अर्जुन और पूर्वी, आपके तारीफों के पुल बंधना बंद हो तो हम व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि इस ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद सीरियल में जल्द ही लीप आने वाला है। इतिहास ये भी कहता है कि जब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए मत जाइएगा, लीप बहुत पास है। मुंबई से पारस कोठारी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं ये चीज